कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर पाया। नामांकन पत्र स्वीकार न होने से सुभाषपा उम्मीदवार ने जिला प्रशासन पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। सुहेल देव समाज पार्टी ने कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र से दीनानाथ कोरी को अपना प्रत्याशी घोषित किया था। दीनानाथ कोरी अपना नामांकन दाखिल करने के कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जहां देरी से पहुंचने का कारण बताते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन पत्र लेने से इनकार कर दिया। नामांकन दाखिल न होने से नाराज सुभाषपा उम्मीदवार ने जिला प्रशासन पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे समय से जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय पहुंच गए थे, उसके बावजूद भी उनका नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किया गया। यहाँ पे 2:55 पे आ गया था, तो यहाँ पे जो गेट पे शासन के लोग थे उन्होंने कहा भी आप यहीं रुकिए, तो मैं वहाँ रुक गया। कुछ देर बाद आवाज़ आई, सारे जो प्रत्याशी बाकी वो अंदर आए, फिर मैंने जाने का प्रयास किया, फिर मुझको रोक लिया गया है। फिर उसके बाद से कहा आप नामांकन नहीं कर सकते हैं, आप जाइए। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब ये भाई उनकी क्या मंशा है मैं आपको क्या बता सकता हूँ। किस पार्टी से आप? मैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कौशाम्बी लोकसभा प्रत्याशी हूँ, और ये भेदभाव हम लोगों के साथ होता ही रहा है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हो रहा है, और इस प्रकार के भेदभाव से हम लोग बहुत दुखी हैं, और साथ ही संदेश देना चाहते हैं कि क्या लग रहा है कि बीजेपी की सरकार में ये अफसर आपकी पार्टी के जो अलायंस है उन्हीं लोगों का नहीं सुन रहा है, या आपको नामांकन ना करा के बीजेपी की मदद कर रहे हैं? ये कुछ भी हो सकता है, अब इसकी क्या साजिश है मैं तो आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ 2:55 पे आ गया था। और बीजेपी की सरकार है और आपकी पार्टी भी बीजेपी की से अलायंस है जी, तो क्या बीजेपी से आप अलग होकर नामांकन करना चाह रहे हैं, इसलिए आपका नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है? हाँ, बीजेपी पार्टी से जो है हम लोगों का गठबंधन टूट चुका है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है लोकसभा का गठबंधन तोड़ दिया है और प्रत्याशी जो है अपने उतार दिए हैं मैदान में, तो इससे बीजेपी के लोग कुछ घबरा गए हैं, तो हो सकता है इस प्रकार की साजिश रची जा रही हो। अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम दीनानाथ कोरी है, मैं कौशाम्बी लोकसभा प्रत्याशी। अदर 24 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद तिवारी।